नमस्कार, स्वामी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भाजपा सरकार देश में जातिवाद, हिंसा, भेदभाव, द्वेषता और विघटनकारी सोच को बढ़ावा दे रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में भाईचारे और सद्भाव की भावना को गहरा आघात पहुंचा है, जिसके विरोध स्वरूप प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना उपवास रखा गया। एक ओर जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को भाजपा सरकार की दलित विरोधी नीति के तहत राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर उपवास रखा, तो वहीं दूसरी ओर शहर और देहात जिला कांग्रेस की ओर से गांधी भवन पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना उपवास रख भाजपा के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्र के महान पुरुषों के प्रतिमाओं को जगह जगह खंडित किया जा रहा है, जिसके कारण असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं और वे देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने में लगे हुए हैं। गत दिनों हुई हिंसा के दौरान बेकसूर लोग मारे गए और देश में अराजकता व्याप्त हो गई। ऐसे में सभी कांग्रेसजनों का दायित्व बनता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षण और मानवाधिकारों के हनन पर रोक लगाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करें। इसी क्रम में पीसीसी चीफ सचिन पायलट के निर्देशानुसार गांधी भवन रेलवे स्टेशन के पास प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक हिंसा पर लगाम लगाने व आपसी सद्भाव, भाईचारा, सामाजिक समरसता एवं शांति को कायम करने की मांग को लेकर कांग्रेसजनों द्वारा एक दिन का उपवास रखा गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय सचिन पायलट साहब के आह्वान पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर संभाग मुख्यालय के ऊपर जो है हमारे सभी नेतागण, हमारे यहाँ जो जितने भी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, आज यहाँ सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के लिए उपवास पर यहाँ बैठे हुए हैं। और जो है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने भाई को भाई से लड़ाकर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों में जो है आज लड़ाई करवा रखी है, अशांति फैला रखी है, उसके लिए उनको सद्बुद्धि दे भगवान। और जो है जिस तरह कांग्रेस का हमारा जो है देश की एकता, अखंडता का जो बनाए रखने का जो नारा है वह वापस स्थापित हो देश के अंदर और अमन शांति कायम हो, इसके लिए आज हमने उपवास रखा है। और हम परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे, जिस तरह देश में जो उन्होंने लड़ाई झगड़े करा रखे, जिस तरह अशांति फैला के तो बंद करके अब वो वापस जो है देश में एकता अखंडता कायम कर रहे हैं। के नाम पर लोगों को बांट कर और जिस तरीके से राजनीतिक लाभ उठा रही है और अब जो है जाति के नाम पर बांट रही है, जाति के नाम पर देश में लोग आपस में दो भाइयों को भिड़ा रही है, दो भाइयों को बंटवारा कर रही है। और जिस तरीके से ये दलित भाइयों के खिलाफ में अत्याचार कर रही है, जो पिछले दिनों 2 तारीख को जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में कितने बेकसूर लोग मारे गए, लेकिन उसके बावजूद जो FIR दर्ज हुई है वो सब दलितों के खिलाफ हुई है। SC ST Act को किस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। किस तरीके से महापुरुषों की प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा है, ये कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है वो ये हालात बता रहे हैं कि देश में सरकार इनकी है, प्रदेश में सरकार इनकी है, इसके बावजूद ये कानून व्यवस्था को बनाए नहीं रख पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज ये उपवास रखा। उस उपवास में अजमेर संभाग के 4 जिले के लोग, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर के लोग आए हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमने ये उपवास रखा है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, भारतीय जनता पार्टी को, तो आपस में वो भाइयों को एक दूसरों को बंटवारा नहीं करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और RSS के इशारे पर जिस तरीके से जातीय विद्वेष फैलाने की एक सोची समझी राजनीति पूरे देश के अंदर की जा रही है, और उसी के दृष्टिगत जिस तरीके से SC ST जो पहले से ही कमज़ोर तबका है उसको और कमज़ोर करने की कोशिश की गई और ये सरकार मूक दर्शक बनकर के बैठी रही। 2 अप्रैल को इसके विरोध में जो भारत बंद का आयोजन किया गया, उस बंद में भी इन्हीं के इशारे पर हिंसा फैलाने का सोचा समझा काम करा गया ताकि इन लोगों को दोषी ठहराया जा सके, और उसकी आड़ में पुलिस के द्वारा SC ST के ऊपर और दमनात्मक कार्रवाइयां करी गई। तो ये जो BJP विकास की बात जरूर करती है मगर विकास की राजनीति नहीं करती, ये विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा देती है, जातीय विद्वेष फैलाने की राजनीति करती है, लोगों को बांटने की राजनीति करती है। इन सबके विरोध में
हमारे पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस ने पूरा राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय उपवास का आज कार्यक्रम रखा है और उसी के अंतर्गत पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर हमारे जिला मुख्यालय के ऊपर हमने यहाँ चार जिले के लोगों, हमारे जो कांग्रेस जन हैं उनके साथ में यहाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वीर जवानों की बहादुरी के कारनामों की यादों को संजोए रखने के लिए आज शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। अजमेर के गोल्फ कोर्स रोड स्थित GC1 में शौर्य दिवस मनाया गया। इस दौरान वीर गति को प्राप्त हुए जवानों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक अनिल लुडियाल ने कहा कि 9 अप्रैल का दिन CRPF के जवानों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी दिन सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। आज 9 अप्रैल के दिन हम लोग पूरे CRPF में, पूरे देश में शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। रैन ऑफ कच एक जगह है, वहाँ पे CRPF की दो कंपनियों ने 65 के अंदर पाकिस्तान के एक ब्रिगेड को 24 घंटे रोक के रखा था। मिलिट्री साइंस के इतिहास में संभवतः ये एक अकेला अवसर है जबकि दो कंपनी स्तर के फोर्स ने एक पूरी ब्रिगेड को धराशाही कर दिया। कई पाकिस्तानी मारे गए, कुछ कैद में भी ले लिए गए और हमारे जवान, हमारे बल के भी कुछ लोग शहीद हो गए। इस दिन हम अपने शहीदों को याद करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। शहीदों के सम्मान में जो हमारे गैलेंट्री मेडल विजेता हैं उनको बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं, उनकी खैर खबर लेते हैं, पूछते हैं और उनके उदाहरणों को हम आगे अपने जो नए जवान हैं या हम लोग जो अभी कार्यरत हैं उनसे प्रेरणा लेकर और आगे काम करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल फैक्टर होता है कि हम इस दिन को मनाएं और इससे अगले आने वाली चुनौतियों का सामना। आपको दीवार पर ट्रेन और इंजन के साथ साथ रेलवे का सफरनामा देखना है तो अलवर गेट स्थित कॉन्वेंट स्कूल के सामने चले आइए। भारतीय रेलवे की विकास यात्रा को चित्रकारी के माध्यम से रेल म्यूजियम ऑन वॉल के तहत कॉन्वेंट स्कूल के सामने की दीवारों पर चित्रों के जरिए प्रदर्शित किया गया। सोमवार को महापौर धर्मेंद्र गहलोत और मंडल रेल प्रबंधक पुनीत चावला ने विकसित किए जा रहे इस रेल म्यूजियम और पेंटिंग वॉल को देखा और चित्रकारों की सराहना की। मंडल रेल प्रबंधक पुनीत चावला ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे की विरासत अनुपयोगी सामान से यह रेल म्यूजियम शहर में बनाया जा रहा है। यह रेल म्यूजियम विरासत की वस्तुओं का समावेश कर मीटर गेज ट्रेन प्रणाली के आधार पर बनाया जा रहा है। इस म्यूजियम में मीटर गेज ट्रेन ऑपरेशन के समय काम में लिए जाने वाले विभिन्न विभागों जैसे यांत्रिक, सिग्नल एवं टेलीकॉम इंजीनियरिंग इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण उपकरणों की मरम्मत कर पुनः सजीवित कर संजो कर रखा जा रहा है जो कि म्यूजियम में आने वाले दर्शकों को मीटर गेज के पुराने जमाने की याद दिलाएगा। रेलवे के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं। यहाँ पे 1870s में रेलवे की शुरुआत हुई जबकि मीटर गेज यहाँ पे आया तो यहाँ पे अजमेर के लोगों को रेलवे की रूट्स का मालूम लगे, उनकी अपनी रूट्स क्या रेलवे के साथ है, उसके लिए हम यहाँ पे एक रेल संग्रहालय की स्थापना कर रहे हैं। इसमें जो भी पुरानी चीज़ें रेलवे में यूज़ हो रही थी हम सब, जो हमारे पास स्क्रैप था बेसिकली जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी यार, उस सबको हम यहाँ पे ले आए। जैसे आप कोचेस यहाँ पे रखी हुई हैं देख सकते हैं, यहाँ पे एक बच्चों के लिए गाड़ी हम यहाँ फैब्रिकेट वो भी कर रहे हैं, वो भी स्क्रैप मटेरियल से, और जो पुरानी चीज़ें यूज़ हो रही थी उनको हमने इधर अंदर एक संग्रहालय के रूप में यहाँ पे रखा है। उसके अलावा इस पूरी चारों वॉल्स के ऊपर ये पेंटिंग्स जो है इसके द्वारा डिपिक्शन की जा रही है कि पुराने ज़माने में रेलवे कैसे चलती थी, कैसे लोकोमोटिव्स होते थे और कैसा कोचेस लोकोमोटिव सब। तो ये पेंटिंग्स करने में हमारे को ये मेहर साहब ने पूरा सहयोग जो है किया है और ये जो रेल म्यूजियम ऑन वॉल्स है ये एक जॉइंट एफर्ट है अजमेर मंडल की और नगर निगम की और कुछ दिन में हम ये सारा इसको तैयार करेंगे। सर जो बच्चों के लिए ट्रेन है वो निःशुल्क रहेगी? ये अभी किस क्या शुल्क चलेगा और कैसा रहेगा इसकी हम मॉडलिटीज अभी वर्कआउट करेंगे।
सबसे पहले रेलवेज़ ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है, तो रेल संग्रहालय मतलब रेलवे म्यूजियम के लिए हम पेंटिंग्स बना रहे हैं, तो जितनी भी पेंटिंग्स यहाँ पे बनी है वो सारी रेलवे से रिलेटेड है, और लोक कला संस्था ने मतलब इस प्रोग्राम के लिए एक इनिशिएटिव एक कदम बढ़ाया है और साथ दे रहे हैं। यहाँ पर मतलब जो पुराने जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम जो इंजन्स यूज़ होते थे स्टीम इंजन्स, वहाँ से लेकर जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो ट्रेन्स दौड़ती है मतलब पटरियों पे, वो यहाँ पे बनाई गई है, और कैनवस की जगह हम वॉल्स पे पेंटिंग कर रहे हैं, तो ये बड़ी मतलब अचीवमेंट है। ये पेंटिंग के माध्यम से क्या दर्शाना चाहते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्वच्छ भारत अभियान की वॉल्स गंदी नहीं करे जो पब्लिक है, और इससे मतलब एक म्यूजियम है तो लोग जब इसे देखेंगे, स्कूल स्टूडेंट्स या जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो जब देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मतलब हमारी जो इंडियन हिस्ट्री में जो ट्रेन्स की जो जर्नी रही है वो कैसी है। लेकिन यहाँ पर रेलवे के यहाँ से एक ड्राइंग रंग लहर का आयोजन किया गया था, जहाँ पर हमने सारी पुराने यहाँ पर जैसे रेल का जो इतिहास है, वहाँ पर किस तरीके के पहले की जो चीज़ें बनाई जाती थी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। हम यहाँ HK स्कूल से आए हैं और हमने यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का एक इंजन है उसकी ड्राइंग बनाई है। यहाँ लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद आगे है। नहीं होगा 10 अप्रैल को भारत बंद।